बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर वन है, द फर्स्ट पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, द फर्स्ट पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वाज मैगेलन, MAGELLAN। द फर्स्ट पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वाज मैगेलन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शिप, वो पहला साइंसदान जिसने कामयाबी के साथ पहली क्लोन शीप को बनाया था, तो वो था डॉक्टर आयन विल्मट। डॉक्टर आयन विल्मट, VWILMUT, डॉक्टर आयन विल्मट। नेक्स्ट है, मैरी क्यूरी रिसीव्ड द 1903 नोबल प्राइज इन फिजिक्स एंड 1911 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। मादाम क्यूरी ने 1903 के अंदर फिजिक्स के अंदर और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द 2003 नोबेल पीस प्राइज़, 2003 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला, वो है शरीन इबैदी, SHIRIN, शरीन इबैदी को 2003 का नोबेल प्राइज़ शरीन इबैदी को मिला। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनको कहा जाता है होगो ग्रोशियस को, होगो ग्रोशियस, HUGOGROTIUS, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ होगो ग्रोशियस को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टनी, मैन ऑफ डेस्टनी किसे कहा जाता है, नेपोलियन को, मैन ऑफ डेस्टनी नेपोलियन को कहा जाता है। हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज़ 2011 फॉर पीस, 2011 का नोबेल प्राइज़ पीस नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, एलन जॉनसन और लेमन गोबे और इसके साथ एक और इनका दोस्त है। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर वर्क ऑन, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया किस वजह से, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, बल्कि ये इसका आंसर नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इसको दिया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था होप सो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, क्योंकि यही इसका मशहूर कारनामा है। अच्छा, नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स विद हिज सन, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के अंदर अपने बेटे के साथ भी शेयर किया, तो वो है WH BRAGG। WH BRAGG ने फिज़िक्स के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया और उसने अपने बेटे के साथ भी शेयर किया। नेक्स्ट है, द फेमस नर्सरी राइम, यानी कि मशहूर नर्सरी क्लास की जो एक पोइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये किसने लिखी, जैन टेलर ने, JANE JAN TAYLOR, जैन टेलर ने। नेक्स्ट है, द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कौन कौन सी बुक हैं, तो वो है अकबर द ग्रेट, लॉइस XIV और एलिजाबेथ I, ये सारी जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच होता है, बल्कि इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, अ जर्मन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, जर्मन साइंसदान जिसने एक्स रे को डिस्कवर किया वो है रोएंटिगन, ROENTEGEN, रोएंटिगन ने वो जर्मन साइंटिस्ट है जिसने एक्स रेज को डिस्कवर किया। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द थ्योरी डैट लाइफ कुड हैव अराइजन फ्राम नॉन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, वो कौन सा साइंसदान है जिसने ये थ्योरी दी थी कि जो ज़िंदगी है वो नॉन ऑर्गेनिक मालिक्यूल से आई है, तो वो है ऑपरन एंड हेल्डेन, OPARIN, ऑपरन एंड हेल्डेन, HALDANE। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, इनमें से कौन सी गैस है जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो है क्लोरीन, क्लोरीन की जो गैस है यानी क्लोरीन गैस, ये वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, पेंसिलिन, पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टार्टेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूजिंग सिंबल फॉर एलिमेंट्स, वो कौन सा साइंसदान है जिसने मॉडर्न सिस्टम ईजाद किया सिंबल्स का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने एस्टैब्लिश किया सिंबल्स, एस्टैब्लिश किए एलिमेंट्स को जज करने के लिए। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव किसने इन्वेंट किया, तो वह स्टीफेंसन, स्टीम लोकोमोटिव किसने इन्वेंट किया, स्टीफेंसन ने।
नेक्स्ट है कि वो कौन सा अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसका जिक्र ऑटोबायोग्राफी जो मेन कैंप है हिटलर की, एडॉल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है मेन कैंप, उसमें उसका जिक्र किया है, और वो सिर्फ एक अमेरिकन बंदा है जिसका जिक्र आया है, तो वो है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका जिक्र हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। नेक्स्ट है ही वॉज फर्स्ट टू मेक हिज क्लॉथिस अवेलेबल एज रेडी टू वेयर कलेक्शन, तो उसका नाम था प्लेरी कार्डन। वो कौन सा इंसान है जिसने अपने कपड़ों को रेडीमेड किया, मतलब उसने ऐसे कपड़े बनाए कि जो बस बगैर सिलाई, मतलब आप उन्हें पहन सकते हैं सिले सिलाए, वो है प्लेरी कार्डन। हु अमंग द टू मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन द वर्ल्ड ही नाउ ओकेजनली गोज ऑन लेक्चर टूर्स एंड एक्ट्स इन पिज़्ज़ा हट कमर्शियल, या मतलब वो कौन सा मोस्ट पावरफुल लीडर है दुनिया का जो आजकल मतलब लेक्चर टूर कर रहा है या पिज़्ज़ा हट की जो कमर्शियल्स होती हैं उनमें भी आता है, तो वो है माइकल गोर्बेचीव। माइकल गोर्बेचीव। नेक्स्ट है दिस जापानीज लेजेंड बिल्ड हिज मोटरसाइकिल एंड कार एम्पायर वर्ल्ड वार टू, वो कौन सा लेजेंड है जिसने वर्ल्ड वार टू के अंदर अपनी मोटरसाइकिल और कार को डेवलप किया, तो वो है सुशीरो होंडा, SOICHIRO, सुशीरो होंडा उसका नाम है, जिसने वर्ल्ड वार टू के अंदर, जापानीज लेजेंड है जो मोटरसाइकिल और कार जिसने ईजाद की। नेक्स्ट है ही इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड गेव हिज नेम फॉर द फेमस टायर कंपनी, वो कौन सा इंसान है जिसने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को ईजाद किया और उसने फेमस टायर कंपनी जो है वो ईजाद की, तो वो है चार्ल्स गुडईयर। नेक्स्ट है इन 19th सेंचुरी ही चेंज्ड हिज नेम टू पॉल जूलियस रूटर एंड फाउंडेड द न्यूज़ एजेंसी रूटर, वो कौन सा साइंसदान है यानी कि वो कौन सा बंदा है जिसने 19वीं सदी के अंदर अपना नाम पॉल जूलियस रूटर रखा और उसने रूटर एजेंसी जो है न्यूज़ एजेंसी ये ईजाद की, तो वो है इसराइल बेन बियर जो है इसने रूटर एजेंसी ईजाद की। अच्छा उसके बाद आता है कि विच टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेल टू डू बिजनेस मैन कम फ्रॉम द जापानीज वर्ड्स लाइक ग्रेट लॉर्ड और ग्रेट प्रिंस, तो वो है टाइकॉन जो है ये बिजनेस टर्म के लिए इस्तेमाल होती है, जापानीज वर्ड है उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो बिजनेस मैन होते हैं उनको टाइकॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है सऊदी बिलीनियर उसामा बिन लादन जो है सऊदी बिलीनियर था और इसने अपने पैसे कहाँ से बनाए थे, इसने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से अपने पैसे बनाए उसामा बिन लादन ने। अच्छा नेक्स्ट है कि वो कौन सा इंसान है जिसने 1093 से ज़्यादा ईजादात की और 1931 में मरा और तकरीबन 3500 दरियाफ्त जो हैं उसकी नोटबुक में अभी भी शामिल थी, अगर वो ज़िंदा रहता तो वो शायद आ जाती, तो वो है थॉमस अल्वा एडिसन जो है इसने मतलब 1093 चीज़ों को ईजाद करके उनको पेटेंट किया यानी कि अपने नाम किया और उसकी डायरी के अंदर अभी 3500 चीज़ों के आइडियाज़ मज़ीद थे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर किंग बिल गेट्स वाज ड्रॉप आउट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, बिल गेट्स जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है हु गिफ्टेड $8.5 million, वो कौन सा बनता था जिसने $8.5 million वैसे यानी कि चैरिटी के तौर पर दिए UNO को ताकि वो 18 एकड़ का रकबा न्यूयॉर्क में ख़रीद सके और वहाँ पर अपनी परमानेंट बिल्डिंग बना सके एज ए हेड क्वार्टर, तो उस बंदे का नाम था जॉन डी रॉकफेलर ने $8.5 million दिए UNO को। नेक्स्ट है ही फाउंडेड ऑयल कंपनी शेल in 1897 एंड नेम्ड हिज आफ्टर हिज फादर्स हॉबी ऑफ कलेक्टिंग शेल, वो कौन सा बंदा है कि जिसने 1897 के अंदर शेल की कंपनी ईजाद की ऑयल कंपनी और फिर उस कंपनी को नाम दिया अपने बाप की जो मतलब उसकी एक है हॉबी थी शेल को इकट्ठा करने की, और उसका नाम था मार्कस सैमुअल ने 18
1897 के अंदर जो है वो इसने शेल कंपनी को ईजाद किया। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द फेमस फिलिप कंपनी इन 1891 एंड बिगन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप्स। वो कौन सा बंदा है जिसने फिलिप कंपनी, जो लाइट बनाने वाली कंपनी है, उसको 1891 में ईजाद किया और फिर उसने लैंप मैन्युफैक्चर किए, तो वो है गेरार्ड फिलिप, GERARD, गेरार्ड फिलिप जो है उसने ईजाद की ये कंपनी। नेक्स्ट है, हु वाज़ द पेंटर ऑफ मोनालीज़ा। मोनालीज़ा को एक मशहूर पेंटिंग है, वो किसने पेंट की, लियोनार्डो डाविंची ने। लियोनार्डो डाविंची का ताल्लुक जो है वो इटली से था और इसकी अब ये जो मशहूर पेंटिंग है ये फ्रांस के एक म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है फहीन, FAHIEN। फहीन वाज ए चाइनीज ट्रैवलर, FAHIEN। फहीन वाज ए चाइनीज ट्रैवलर, फहीन कौन था, एक चाइनीज ट्रैवलर था। नेक्स्ट है जे बी प्रिस्टले जो है ये कौन था, ये एक ब्रिटिश ऑथर था। जे डॉट बी प्रिस्टले जो है ये एक मशहूर बरतानिया का ऑथर था। नेक्स्ट है सन सेटसन, SUNYATSEN। सन येटसन जो है ये कौन था, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ चाइनीज रिपब्लिक, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक का, उसका नाम था सन येटसन। सन येटसन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक। अच्छा, नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो थी जंको टैबी, JUNKO TABEI। जंको टैबी जो वो पहली फीमेल थी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। नेक्स्ट है बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन द पेरेंट कंपनी ऑफ बाटा पाकिस्तान। मतलब ये बाटा शू कंपनी जो है ये कहाँ से ऑर्गेनाइज हुई, ये कैनेडियन कंपनी है, बाटा शू कंपनी जो है ये कैनेडियन कंपनी है। अच्छा, उसके बाद है हु इज़ फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फाउंडर किसे कहा जाता है, जाबर बिन हयान को फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। द एसिड प्रिपेयर्ड बाय जाबर बिन हयान, वो तेज़ाब जो जाबर बिन हयान ने ईजाद किया, सल्फ्यूरिक एसिड उसका नाम है। वो तेज़ाब जो जाबर बिन हयान ने ईजाद किया, सल्फ्यूरिक एसिड उसका नाम है। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्निश वाज डिस्कवर्ड बाय, वर्निश का जो मेथड है प्रिपेयर करने का ये किसने ईजाद किया, ये भी जाबर बिन हयान ने। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्निश, वर्निश को यानी कि ये पेंट की एक किस्म होती है, ये भी किसने ईजाद किया, जाबर बिन हयान ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बुक अल्कीमिया ऑफ जाबर बिन हयान, अल्कीमिया का जो जाबर बिन हयान की मशहूर किताब थी इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया, रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने इसका अंग्रेज़ी के अंदर तर्जुमा किया जाबर बिन हयान की बुक का। हु वाज एन एक्सपीरियंस सर्जन, एक एक्सपीरियंस सर्जन जो है वो कौन था, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी जो है ये एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन था। मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी जो है ये एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन था। मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी ने शराब बनाने का तरीका सिखाया और वो शराब किस प्रोसेस के ज़रिए बनी, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मैटर ये किसने, यानी कि जो मादा होता है उसकी इनर्शिया को किसने दरियाफ्त किया, इब्नुल हशम ने। इनर्शिया ऑफ मैटर वाज आइडेंटिफाइड बाय इब्नुल हशम। द फेमस बुक ऑफ इब्नुल हशम की मशहूर किताब का नाम है किताबुल मनाजिर। इब्नुल हशम की मशहूर किताब का नाम है किताबुल मनाजिर। द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो पहला मुसलमान साइंसदान जिसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ईजाद किया, तो वो इब्नुल हशम है। इब्नुल हशम की किताब का नाम है किताबुल मनाजिर। इब्नुल हशम वो पहला साइंसदान है जिसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ईजाद किया। अलबरूनी कौन था, अलबरूनी एक फिजिशियन भी था और एक फिजिस्ट भी था। अलबरूनी वाज अ फिजिशियन एंड फिजिस्ट। नेक्स्ट है अलबरूनी डिस्कवर द रेडियस ऑफ अर्थ।
अलबरूनी ने रेडियस ऑफ अर्थ कितना डिस्कवर किया? 6338। अलबरूनी ने रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना उसने डिस्कवर किया? 6338 किलोमीटर। नेक्स्ट है किताबुश्शिफा। किताबुश्शिफा किसने लिखी? बू अली सीना ने। किताबुश्शिफा किसने लिखी? बू अली सीना ने। किताबुश्शिफा बू अली सीना ने, जिनको यूरोपियन जो है वो एविसीना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज एक्सप्लेन्ड बाय बू अली सीना इन हिज बुक। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की जो साख्त है और उसके जो मुख्तलिफ किस्म के आर्गन आपस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बू अली सीना ने के अपनी कौन सी बुक में लिखा? अलकनून फिल तिब के अंदर। अलकनून फिल तिब के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी कि कैसे हमारी बॉडी मूव करती है और ये कैसे कंपोज हुई है। दी ओनली पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वन नोबल प्राइज़, सिर्फ एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट तो वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबल प्राइज़ मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम सर्व्ड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फ्राम 1958 से 1974। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कब से कब तक पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान के अंदर यानी कि खिदमात कब से कब तक अंजाम दी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर? 1958 से 1974 तक। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पार्को, स्पार्को के पहले चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। स्पार्को के पहले चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद टू अदर्स साइंटिस्ट यूनिफाइड द फॉलोइंग टू फोर्सेस। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दो दूसरे साइंसदानों से मिलकर किन दो फोर्सेस को आपस में यूनिफाई किया, यानी कि उनको एक किया, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दो दूसरे साइंसदानों से मिलकर दो फोर्सेस को आपस में यूनिफाई किया, तो उन फोर्सेस का नाम है, एक है न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उन्होंने पीएचडी डिग्री अपने लीवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी पीएचडी की डिग्री लीवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से। हेनरी कसिंगर जो है वो फार्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। हेनरी कसिंगर जो है ये फार्मर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। नेक्स्ट है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय वाज रशियन नावलिस्ट एंड फिलासफर। लियो टॉलस्टॉय रशियन नावलिस्ट एंड फिलासफर लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है फाइडल कैस्ट्रो, फाइडल कैस्ट्रो रिमेंड प्रेजिडेंट ऑफ क्यूबा। फाइडल कैस्ट्रो रिमेंड प्रेजिडेंट ऑफ क्यूबा फॉर मोर देन 35 ईयर्स। फाइडल कास्ट्रो जो है वो क्यूबा का प्रेसिडेंट रहा तकरीबन 35 सालों तक। नेक्स्ट है फेमस ड्रामा हैमलेट, मशहूर ड्रामा हैमलेट किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। फेमस ड्रामा हैमलेट किसने लिखा? शेक्सपियर ने। उमर ख़याम वाज़ अ पर्शियन पोइट। उमर ख़याम जो है ये पश्तों का पोइट था। उमर ख़याम वाज़ ए पर्शियन पोइट। जॉन कीट्स एंड शैली वर इंग्लिश पोइट्स। जॉन कीट्स और शैली जो हैं ये दोनों इंग्लिश के पोइट्स थे, शायर थे। फेमस पोइट हाफिज़ शराजी मशहूर पोइट है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। फेमस पोइट हाफिज़ शराजी बिलोंग टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है मिल्टन, MILTON। मिल्टन इज़ द पोइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड। मिल्टन जो है इसने दो बुक्स लिखी, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड। नेक्स्ट है सिग्मा फ्राडे वाज वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। सिग्मा फ्राडे जो है ये साइकोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है, सिग्मा फ्राडे साइकोलॉजिस्ट। नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलाइशिया हु निगोशिएटेड विद द ब्रिटिश फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मलाइशिया। मलाइशिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बरतानिया के साथ निगोशिएट किया कि वो मलाइशिया को इंडिपेंडेंस दे, तो वो है टोंको अब्दुल रहमान ने बरतानिया के साथ यानी कि निगोशिएट किया कि वो अब मलाइशिया को इंडिपेंडेंस दे। हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिस्पॉन्सिबल फॉर एबॉलिशिंग स्लेवरी। यूएसए का 16वें नंबर पर बनने वाला वो प्रेसिडेंट जिसने
यानी कि स्लेवरी को एबॉलिश किया, गुलामी को ख़त्म किया, तो वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 16वें नंबर पर यूएसए का प्रेसिडेंट है जिसने स्लेवरी को एबॉलिश किया। नेक्स्ट है, नेम द सेलिब्रेटेड मुगल कोर्ट पोइट एंड प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर्स रेन हु रोट आइने अकबरी एंड अकबर नामा। अकबर के यानी कि दौरे हुकूमत के दौरान मुगल कोर्ट के अंदर वो कौन सा पोइट था जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा अकबर का, और उसने दो किताबें भी लिखी, आइने अकबरी और अकबर नामा, तो वो है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल जो है इसने आइने अकबरी और अकबर नामा लिखा। नेक्स्ट है, हु वाज़ द ऑथर ऑफ मैनी मॉरल फिबल्स विद एनिमल्स प्रोटेगनिस्ट लाइक द टॉर्टॉइस एंड द हैरी। तो इसका साइंसदान है यानी कि इसका राइटर है एसोप, ASOP, एसोप। अच्छा, उसके बाद है, नेम द अरब हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया अलॉन्ग विद आर्मीज ऑफ महमूद ऑफ गजनवी एंड रोट एन अकाउंट ऑफ इंडिया। वो कौन सा मशहूर अरब हिस्टोरियन है जिसने इंडिया को विज़िट किया और उसके साथ महमूद ऑफ गजनवी की फ़ौज भी थी, तो वो था अलबैरूनी। अलबैरूनी जो है उसने महमूद ऑफ गजनवी के साथ इंडिया का विज़िट किया और उसने अकाउंट ऑफ इंडिया के ऊपर उसने लिखा भी कि हमने इंडिया को कैसे जो है वो मात दी। नेक्स्ट है, किंग ऑफ मकदूनिया, किंग ऑफ मकदूनिया हु कंकर्ड मोस्ट ऑफ द एशिया मिनार एंड डिफीटेड पोरस इन 327 BC, तो वो है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो है किंग ऑफ मकदूनिया, जिसने एशिया मिनार को कंकर किया और राजा पोरस को शिकस्त दी 327 BC के अंदर, तो वो है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अच्छा, उसके बाद है, नेम द इटालियन पोइट ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडिया अ फिलासफिकल पोइम टेलिंग स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी जर्नी थ्रू हेल। वो कौन सा इटालियन पोइट है जिसने एक डिवीनिया कॉमेडिया को राइट किया जो कि एक फिलासफिकल पोइम है जो जिसमें ये स्टोरीज शो की गई है कि जर्नी थ्रू द हेल, तो वो बंदे का नाम है अलगैरी डेंटी, ALGHIERIDANT, अलगैरी डेंटी उस ऑथर का नाम है। हु मेड द रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905 एंड वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसकी वजह से उसको 1905 के अंदर नोबल प्राइज़ भी दिया गया। नेक्स्ट है के नेम द ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द यूनिक प्रिंसिपल ऑफ बियोवांस या लॉ ऑफ फ्लोटिंग। मतलब वो कौन सा ग्रीक साइंटिस्ट है और मैथमेटिशियन भी जिसने लॉ ऑफ फ्लोटिंग के ईजाद किया, तो वो है अर्शमीदस। अर्शमीदस ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग को ईजाद किया या जिसे बियोंस भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बियोंस और जन लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये याद किया अर्शमीदस ने। नेक्स्ट है, प्रिंस PRINCE, ये एक फेमस बुक है, ये लिखी है मैकीवेली ने। प्रिंस एक मशहूर किताब है, ये मैकीवेली ने लिखी है। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का फाउंडर है बाबर। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर है उसका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट है, नेम द US स्टेट्समैन हु प्रमोटेड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। उस बंदे का नाम बताएं जिसने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो उसमें भी था, तो वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इसने प्रमोट किया इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका को और साथ ही साथ उसका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको भी ड्राफ्ट किया। नेम द इंग्लिश नावलिस्ट वोस फेमस वर्क आर डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो वो है चार्ल्स डिकेंस। वो मशहूर इंग्लिश नावलिस्ट का नाम बताएं जिसने डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये तीनों किताबें जो हैं ये लिखी हैं, तो वो है चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट है, चीचनिया सॉरी चांकिया इज़ द राइटर ऑफ द फेम्ड ट्रीटिस, उस किताब का नाम है स्टेट क्राफ्ट। यानी कि चांकिया जो है इसने एक मशहूर
बुक लिखी है तो उसका नाम है स्टेट क्राफ्ट, यानी कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। नेक्स्ट है नेम द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हु पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन विच रेवोल्यूशनाइज मैनज नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन, तो वो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है इसने यानी कि रेवोल्यूशन लाया, या सॉरी मतलब इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लाई जिसके अंदर इसने कहा कि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है कि वक्त के साथ साथ जो लोग अपने आप को बदल लेते हैं वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के अंदर जो लोग फिट आते हैं वो ज़िंदा रहते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। इस चीज़ को उसने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया और ये ब्रिटिश का रहने वाला था। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक बेस्ड ऑन गैलीलियोस थ्योरी एंड आल्सो डिस्कवर द रिंग ऑफ सैटर्न, तो उसका नाम है क्रिश्चियन हाइगंस, CHRISTIAN HUGYN, क्रिश्चियन हाइगंस। उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने पेंडुलम को ईजाद किया जो कि क्लॉक बेस्ड के ऊपर वर्क करता था, सेम गैलीलियो की थ्योरी के ऊपर, और उसने यानी कि सैटर्न के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं उनको भी डिस्कवर किया, तो वो है क्रिश्चियन हैगस। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1949 to 1958, वो कौन सा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है जो 1949 से 1958 तक रहा और उसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया हर मेजर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इवेंट के अंदर, और उसकी मौत हुई 1976 में, तो उसका नाम है चो इन लाई जो है वो 1949 से 1958 तक चाइना का प्राइम मिनिस्टर रहा और उसने हर मेजर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इवेंट के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपनी मौत के वक्त तक। 1976 में उसकी मौत हुई, तो उसका नाम है चो एन लाई। अच्छा नेक्स्ट है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1889 to 1905, तो वह है लॉर्ड कर्जन जो है ये इंडिया का वाइसराय रहा 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट है हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2 terms एंड इज़ वेल नोन फॉर हिज रिफॉर्म, वो कौन सा बंदा है जो इंडिया का 2 दहाइयों तक गवर्नर जनरल रहा, यानी कि 2 terms के लिए गवर्नर जनरल रहा और उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराई, तो उस बंदे का नाम है लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है ये 2 दहाइयों तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा, और लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है इसने यानी कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। नेक्स्ट है दारा शेख, प्रिंस दारा शेख वाज द सन ऑफ शाहजहाँ, प्रिंस दारा शेख जो है ये शाहजहाँ का बेटा था। नेक्स्ट है नेम द अमेरिकन जनरल एंड प्रेसिडेंट बिटवीन 1953 से 1961 हु वाज मेड सुप्रीम कमांडर ऑफ नेटो बट रिजाइंड व्हेन द वन द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1952, तो वो है डिवाइट डी आइजनहोर जो है उसने नेटो को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उसने नेटो को बनाया और फिर उसने रिज़ाइन कर दिया जब वो यूनाइटेड स्टेट का इलेक्शन भी जीत गया 1952 में, तो वो है डिवाइट डी आइजनहोर। नेक्स्ट है नेम द ग्रीक मैथमेटिशियन हु प्रोपाउंडेड द जियोमेट्रिकल थ्योरम, उस यूनानी मैथमेटिशियन का नाम बताएं जिसने जियोमेट्रिकल थ्योरम ईजाद किया, तो वो है EUCLID। यूक्लिड जो है इसने जियोमेट्रिकल थ्योरम ईजाद किया और ये था ग्रीक मैथमेटिशियन यानी कि यूनान का रहने वाला। नेम द फेमस पाकिस्तानी पोइट हु वन लेनिन अवार्ड, तो वो है फैज़ अहमद फैज़ को 1961 के अंदर USSR की जानब से जो है वो लेनिन पीस प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ को कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ को कहा जाता है। हु वाज द डिवोटेड ब्रिटिश नर्स विच रिफॉर्म्ड द नर्सिंग प्रोफेशन एंड वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो पहली कौन सी बरतानिया की फीमेल नर्स है जिसने नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत हद तक रिफॉर्म किया और फिर उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये उसको नवाजा गया 1907 के अंदर, तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसका नाम है जिसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1907 में नवाजा गया। नेक्स्ट है नेम द फ्रेंच
ट्रैवलर हु सर्व्ड एज फिजिशियन टू मुगल एम्पायर औरंगजेब ड्यूरिंग ही स्टे इन इंडिया। तो उसका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। वो फ्रेंच ट्रैवलर कौन सा था जो कि मतलब एज अ फिजिशियन भी काम करता रहा मुगल एम्पायर औरंगजेब के दिहाई के अंदर। तो उसका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर। नेक्स्ट है गैलीलियो एंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप्ड द टेलीस्कोप एंड डिस्कवर्ड सैटेलाइट। तो वो है जुपिटर। गैलीलियो जो है वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था जिसने एक ऐसी टेलीस्कोप दरियाफ्त की और उस टेलीस्कोप के ज़रिए उसने डिस्कवर किया जुपिटर के सैटेलाइट्स को। अच्छा नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के ने कहा जाता है। हिज फेमस बुक इंक्लूड द बुक ऑफ डचिस एंड कैंटरब्यूरी टेल्स। तो वो है जॉफरी चौसर, GEOFFERY, जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और जॉफरी चौसर की दो मशहूर किताबों के नाम हैं द बुक ऑफ डचिस एंड कैंटरब्यूरी टेल्स। नेक्स्ट नेम द अमेरिकन जनरल हु लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो वो है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन यानी कि फ़ौज का अमेरिकन फ़ौज का जनरल था जिसने बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की और उसने जो है वो इंडिपेंडेंस अमेरिका की डिक्लेयर कर दी। तो वो है जॉर्ज वाशिंगटन। और सबसे लास्ट में है नेम द केमिस्ट एंड प्रोफेसर एट हार्वर्ड हु वर्कड ऑन द एटॉमिक बॉम्ब एंड लेटर स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड द बैनिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो वो है जॉर्ज किस्टोवस्की। जॉर्ज किस्टोवस्की जो है ये वो पहला साइंसदान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो मतलब जिसने एटम बॉम्ब को बनाया और फिर बाद में उसने स्ट्रॉन्गली तौर पर इस चीज़ को कहा कि इस चीज़ को बैन होना चाहिए। तो वो है जॉर्ज किस्टोवस्की, KISITIAKOWSKY, जॉर्ज किस्टोवस्की। थैंक यू सो मच आज के लिए इतने। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।